हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है एचटीएमएल की नई क्लास में। लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वेब पेज में फ्रेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन एन वेब पेज डॉक्यूमेंट। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेब पेज इन HTML डॉक्यूमेंट। हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन मार्क। हाउ टू क्रिएट HTML, हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML डॉक्यूमेंट, ये आज अपन को पढ़ना सीखना है कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो वेब पेज पे सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो वो जो फॉर्म होते हैं उन फॉर्म को वेब पेज पर हम बनाते कैसे हैं HTML लैंग्वेज का यूज करके, ठीक। तो उसके लिए बहुत सारे क्या है, सिंटैक्स है, बहुत सारे अपन को एट्रीब्यूट याद करने होंगे और बहुत सारे उसमें अपन को क्या याद करने होंगे, एलिमेंट्स याद करने होंगे, ठीक है। तो वो एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, इनकी चर्चा करेंगे हम बाद में। उससे पहले हम आपको फॉर्म की चर्चा कर दें कि फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो जरा देखें आप लोग कि फॉर्म है क्या और फॉर्म बनाया कैसे जाता है। ये सब लिंक वगैरह सेट करना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। अब हमें सीखना है कि हम अपना फॉर्म बनाना कैसे सीखें। जैसे कि आपको यही दिख रहा है एक सामने, ठीक है, यही दिख रहा है। तो इसमें देखो आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इज डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, ठीक। फिर उसमें आपसे उसने दो ऑप्शन दिए, येस और नो, और उनके पहले ये जो बटन लगा हुआ है इट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। हम बोलेंगे येस आई हैव आधार और नो आई हैव नो आधार, ठीक है। आधार कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो। तो ये रेडियो बटन हम कैसे लगाते हैं, इसके बाद आधार नंबर इसमें फिल करना है तो ये तो अपन लिखेंगे, ये बॉक्स कहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर, फिर से ये बॉक्स आ गया। उसके पास टाइप ऑफ आईडी आपसे पूछ रहा है। उसके बाद ये आप देख रहे होगे यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स लिखा हुआ है ना। तो ये जो सिलेक्ट लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट यहाँ पे लिख के कैसे आता है और ये ऑप्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक। ये आपका तभी खुलेगा, ठीक, हाँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम डालना है, अपना नाम वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, येस और नो, फिर से दो बटन आपको पूछे गए हैं। फिर न्यू नेम, अगर आपने कोई चेंज किया है तो नया नाम बताओ, पिताजी का नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वेरीफाई फादर्स नेम, उसके बाद ये मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम का वेरीफाई। डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ कैसे आती है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को क्या सीखनी है, फॉर्म में सीखनी है। जैसे एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, तो ये जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये ऑप्शन कैसे आते हैं इतने सारे, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें इसमें कैसे डाले जाते हैं, ये सब चीज़ें अपन को इस फॉर्म में बनाना सीखना है। ये देखो ऑप्शन आपके आ रहे हैं कि कौन से एजुकेशन बोर्ड से आया है, रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग में क्लिक किया तो ये देखो इतने सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन को किस पे सीखनी है, HTML लैंग्वेज का यूज़ करके सीखनी है। तो हमें क्या करना होता है, हमें
फॉर्म बनाने के लिए किसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? HTML का तो यूज़ करना ही है, लेकिन साथ में हमें क्या करना होता है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जावा स्क्रिप्ट है ना, और VV स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक, इसके पास C#, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी कौन सी लैंग्वेज होती हैं, ये सारी हमारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो इन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन लैंग्वेजेस का यूज़ सर हम HTML का यूज़ करके भी तो फॉर्म बना सकते हैं, फिर इन लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस का यूज़ क्यों किया जाता है, जो हम फॉर्म बनाते हैं उस फॉर्म को क्या करने के लिए, उन फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए। मैं प्रोग्राम को प्रोसेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप फॉर्म बना रहे हो वो फॉर्म प्रोसेस होके कहीं ना कहीं सेव होगा कि नहीं होगा, बताओ। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जिसके पास पहुंचनी चाहिए उसके पास कैसे पहुंचेगी, किसी ना किसी डेटाबेस में वो फॉर्म जाके सेव होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो फॉर्म की प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करना, बात के लिए भी ठीक। बाकी प्रोग्राम जो हम बनाएंगे, फॉर्म जो हम बनाएंगे, वो किस में बनाएंगे, HTML में ही बनाएंगे, है ना। फॉर्म हम HTML लैंग्वेज में ही बनाएंगे, क्लियर बात की नहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हमें फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। फॉर्म बनाने के लिए एक कंटेनर एलिमेंट का यूज करते हैं, और वो कंटेनर एलिमेंट होता है हमारा फॉर्म और /form, ठीक। फॉर्म और /form यहाँ पे हमें क्या होता है, फॉर्म और /form कंटेनर एलिमेंट का यूज किया जाता है, जहां पे फॉर्म आपका ओपनिंग टैग होता है और /form हमारा क्लोजिंग टैग होता है। फॉर्म के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, दो चीजें लिखते हैं। एक, अगर इसका पर्टिकुलर सिंटेक्स देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने कहा फॉर्म, ठीक। फॉर्म के बाद हम लिखते हैं एक्शन, क्या लिखते हैं, एक्शन इज इक्वल टू URL, ठीक है। फॉर्म, एक्शन, उसके बाद URL, फिर उसके बाद हम लिखते हैं मैथड, कि आपका मैथड क्या है, और मैथड के अंदर हम मैथड का नाम लिखते हैं, मैथड का टाइप लिखते हैं, मेथड का टाइप, जिस टाइप का आपका मेथड है वो, और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको डालना है वो कंटेंट डालो, और फिर लिख देते हैं हम /form। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अब ये मेथड क्या है सर, व्हाट इज दिस मेथड, है ना, ये मेथड क्या है। तो मेथड, आप मेथड जो आपका है ये, ठीक है, ये मेथड आप अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, मेथड आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मेथड हम पढ़ेंगे किसमें, CSS में। इसमें पढ़ेंगे मेथड, मेथड हम पढ़ेंगे CSS में। व्हाट इज CSS, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट, जिसमें हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारे इवेंट भी पढ़ेंगे। व्हाट इज इवेंट, इवेंट जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, जब हम पढ़ेंगे तब तो अपन डीपली समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और हल्की सी चीज समझ लो कि व्हाट इज इवेंट, इवेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, फॉर्म फिल किया, फॉर्म पूरा भरा, पूरा भरने के बाद आप जैसे उसको सबमिट करते हो, ठीक है, जब आप सबमिट करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है, डू यू रियली वॉन्ट टू सबमिट योर फॉर्म, इफ यू क्लिक ऑन ओके यू कैन नॉट मेक चेंज इन द फॉर्म, है ना, ऐसा लिख के आता है कि नहीं आता है, कभी फॉर्म फिल किया होगा। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, क्या होता है डायलॉग बॉक्स अपीयर, वो अपीयर होता है कि क्या आप सच में फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, अगर आपने अभी ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो आप अपने फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम उसमें फिर दो बटन रहते हैं, एक ओके बटन रहता है, एक कैंसिल बटन रहता है, ओके दबाया फॉर्म सबमिट, कैंसिल दबाया फॉर्म पे फिर से आ जाएंगे, अभी आप उसमें चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमने सबमिट बटन पर क्लिक की और फिर डायलॉग बॉक्स आया, तो इस ये क्या हुआ, यहाँ पे एक इवेंट परफॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक इवेंट परफॉर्म हुआ, और इस इवेंट का नाम क्या होता है, उस इवेंट का नाम होता है ऑन सबमिट इवेंट, क्या होता है, ऑन सबमिट इवेंट, क्लियर। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि हम माउस को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे
किसी भी चीज़ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन पे लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही उस पर लेके गए तो उसके डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। हुआ कभी ऐसा? देखा है ना, किसी भी फॉर्म पे गए अपन, ऐसे माउस को, माउस का पॉइंटर ले गए, उस पर ऐसे रखा तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, वहाँ पे भी एक इवेंट परफॉर्म होता है। क्या होता है वहाँ पे? एक इवेंट परफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन माउस कवर इवेंट। क्या बोलते हैं? ऑन माउस कवर इवेंट। तो ये सारे इवेंट अपन सीखेंगे, ठीक है, किसमें सीखेंगे? जब अपन CSS पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है HTML। आपका आज फॉर्म पढ़ रहे हैं, फॉर्म और उसके बाद XHTML और HTML और पढ़ना है, XHTML और HTML में डिफरेंस वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और पढ़ेंगे, उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है और उसके प्रोग्राम वगैरह कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो CSS पढ़ेंगे अपन बाद में, पहले अपन को आज HTML क्या करनी है, फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो हमने इवेंट आपको वहाँ पे बता दिया, ऐसे ही मेथड भी होती हैं कि कौन सी मेथड आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। तो मेथड और इवेंट, ये दोनों चीज़ें हम कहाँ कवर करेंगे? CSS में, ठीक है। तो फिलहाल अपन केवल इतना से याद कर लो कि फॉर्म, एक्शन, URL, मेथड और ये। तो अभी फिलहाल अपन केवल फॉर्म बनाने सीख रहे हैं, तो वहाँ पे अपन को ये जो एट्रीब्यूट हैं, इन एट्रीब्यूट का यूज़ अभी नहीं करना है। जब हम CSS में पढ़ेंगे तब हम इन एट्रीब्यूट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो फॉर्म में हमारी, अच्छा एक चीज़ और, जो हमारी मेथड होती हैं, ठीक है, ये मेथड अभी बता दें चलो थोड़ा सा, ठीक है। कि ये जो मेथड होती है, ये दो टाइप की मेथड होती हैं, एक होती है गेट मेथड, एक होती है पोस्ट मेथड, ठीक है। मेथड हमारी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, मतलब मेथड, मेथड के अंदर हम मेथड का जो टाइप लिखेंगे, ठीक है, वो टाइप आप दो टाइप से लिखोगे, एक लिखोगे गेट मेथड, ठीक है, और एक लिखोगे पोस्ट। अगर आपने गेट लिखा यहाँ पे या पोस्ट लिखा तो क्या होगा, ठीक है। तो गेट और पोस्ट लिखने पर क्या होता है, ठीक है, वहां पे गेट और पोस्ट होने का मतलब ये है, जब आप गेट मेथड का यूज यहां पे करेंगे तो आप जो भी डेटा वैल्यू देंगे, जो भी डेटा वैल्यू देंगे उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या है? गेट मेथड अगर आपने लगाया तो उसमें आप जो भी डेटा वैल्यू देंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो डेटा वैल्यू देंगे उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमने पोस्ट मेथड लगाया, कौन सा मेथड लगाया? पोस्ट मेथड लगाया, तो क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करने में जो भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें जो हम डेटा वैल्यू दे रहे हैं, अगर कोई डेटा वैल्यू गलत हो जाती है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्म आपने देखे होंगे जिसमें एक बार लिख दिया फिर चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गेट मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो मिटा के फिर दोबारा सही कर दो, तो वहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। तो गेट मेथड का यूज़ किसमें होता है? जब हम अपने डेटा वैल्यू, जब हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो जो हमारे डेटा वैल्यू होती हैं उन डेटा वैल्यू को हम क्या नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो, पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम डेटा वैल्यू देंगे फॉर्म के अंदर उनको हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर, ठीक। तो फॉर्म का बात समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। इसके बाद अपन को पढ़ने हैं एलिमेंट ऑफ फॉर्म, एलिमेंट ऑफ फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म को बनाते समय हमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज करना होता है। क्या? एक फॉर्म को बनाते समय हमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है। ये फॉर्म एलिमेंट तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है, जैसे हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं तभी लग जाता है फॉर्म मेथड और स्लैश फॉर्म, खत्म हो गया काम इसका, ठीक। उसके बाद कहानी शुरू होती है फॉर्म बनने की, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो हमें समझ में आ गया कि फॉर्म स्टार्ट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद की कहानी शुरू होती है कि हम अपना फॉर्म बनाएं कैसे, नाम, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फादर नेम टेक्स्ट बॉक्स, मदर नेम टेक्स्ट बॉक्स, डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट बॉक्स, मेल फीमेल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सब चीज़ें आती कैसे, ठीक है। ये सब चीज़ों में हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है, और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके यहाँ पे हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं, ठीक। हमें तीन टाइप के एलिमेंट यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला है आपका इनपुट एलिमेंट, कौन सा है पहला? इनपुट एलिमेंट। दूसरा है आपका सिलेक्ट एलिमेंट, और तीसरा है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, ठीक। कितने टाइप का पढ़ना है? कितने टाइप का पढ़ना है? तीन टाइप।
बात समझ में आई क्या? यस। तो इनपुट एलिमेंट पढ़ना है, सिलेक्ट एलिमेंट पढ़ना है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट पढ़ना है। सिलेक्ट एलिमेंट अकेले नहीं पढ़ते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट के साथ में हम एक और एलिमेंट पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑप्शन एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे हम? सिलेक्ट ऑप्शन एलिमेंट। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको अभी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन को इनपुट एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो इनपुट एलिमेंट की बात अगर हम आपसे करें तो इनपुट एलिमेंट में आता क्या क्या है? ठीक है, तो अगर हमें कोई नाम लिखना है तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, जैसे जैसे हम लिखेंगे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और नेम एंटर करने के बाद वहां पे क्या आ जाएगा आपका? एक इस टाइप से बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स में आप नाम लिखेंगे। तो ये बॉक्स आपका कैसे आता है? ठीक, टेक्स्ट बॉक्स। दूसरा, जैसे हम लिखेंगे जेंडर, जेंडर, और जेंडर के बाद यहाँ पे एक गोला मेल, एक गोला फीमेल, फिर से गोला अदर। ठीक, जैसे जिस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आधी सी फिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे रहेगा इतना बड़ा। ठीक, और हमने कहा मेल तो ये ऐसे फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल वाले पे करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, अदर वाले पे करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं इसको? हम रेडियो बटन कहते हैं। ठीक है, ये रेडियो बटन कैसे लगाया जाता है? ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इनपुट एलिमेंट में? इनपुट एलिमेंट में ड्रॉप डाउन मेन्यू को बनाना। ठीक है, व्हाट इज ड्रॉप डाउन मेन्यू? ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होती है? जैसे सब लोगों ने एमएस एक्सेल वगैरह तो पढ़ा ही होगा, एमएस वर्ड तो पढ़ा ही होगा। उसमें जब अपन फाइल बटन पे जाते हैं, उस पे क्लिक करते हैं तो एक सब मेन्यू ओपन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? वो सब मेन्यू को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। क्लियर? ठीक, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाई जाती है? ठीक है, और चेकबॉक्स, क्या चेकबॉक्स? चेकबॉक्स क्या होता है? चेकबॉक्स सभी ने देखा होगा, जब फॉर्म फिल किया होगा ऐसा एक बॉक्स बना रहता है और उसके सामने लिखी रहती है डिक्लेरेशन, घोषणा, तीन चार शब्दों की, तीन चार लाइनों की घोषणा लिखी रहती है। ठीक है, और जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं सॉरी यू कैन नॉट सबमिट योर फॉर्म, अदर जब तक आप इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम इस चेकबॉक्स को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसे टिक का साइन आ जाएगा इस पर। ठीक है, और फिर सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये चेकबॉक्स कैसे लगता है? ठीक है, तो ये सब चीजें, चेकबॉक्स कैसे लगता है, रेडियो बटन कैसे लगता है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगता है, इन सब चीजों को अपन को किसमें सीखना है? इनपुट में यूज करना है। किसमें यूज करने हैं इनको? हमें इनपुट में यूज करना है। और इनपुट में यूज करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? एक सिंटैक्स का यूज करते हैं। और वो सिंटैक्स क्या है, जरा पहले वो सिंटैक्स लिख लें। ठीक है, कि इनपुट एलिमेंट का सिंटैक्स क्या है, लिखें। ठीक है, चलो सिंटैक्स देखते हैं इसका। ठीक, तो इसका सिंटैक्स है देखो क्या, इनपुट का सिंटैक्स, फिर इसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स में हम लिखेंगे क्या? इनपुट। ठीक, एक बात और बता दें कि ये जो आपका इनपुट होता है ये आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब इसमें केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा सिलेक्ट और ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर एलिमेंट होता है। कैसा होता है? कंटेनर, मतलब सिलेक्ट है और ऑप्शन दो अलग अलग एलिमेंट है, बट ये दोनों साथ में यूज होते हैं। ठीक है, तो जो सिलेक्ट है ये आपका कंटेनर एलिमेंट होता है। सिलेक्ट क्या होता है? कंटेनर एलिमेंट होता है। ठीक है, और ऑप्शन भी जो है वो भी आपका क्या होता है? कंटेनर एलिमेंट होता है। ठीक है, सिलेक्ट और ऑप्शन दोनों ही क्या होते हैं? आपके कंटेनर एलिमेंट होते हैं। कंटिन्यू, ठीक। सो इनपुट, इनपुट के अंदर हम क्या लिखेंगे? नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हम देंगे वैल्यू। ठीक, ये व्हाट इज वैल्यू नेम की? नेम की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इनपुट नेम इक्वल टू वैल्यू, फिर हम लिखेंगे इसमें क्या? टाइप।
ठीक है, और टाइप इक्वल टू टाइप की वैल्यू देंगे, ठीक, इनपुट नेम, नेम इक्वल टू वैल्यू देंगे, टाइप इक्वल टू वैल्यू देंगे, ठीक है। तो टाइप इक्वल टू जब हमने वैल्यू दे दी, इसके बाद क्या होगा, देखो इनपुट नेम टाइप, हाँ और भी इसके एट्रीब्यूट है इनपुट के, ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसा आपको दिखाना हो, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है, अगर अलाइन देना है तो, साइज एट्रीब्यूट होता है, साइज देना है तो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब फिलहाल आपका होता क्या है, इनपुट नेम और उसके बाद फिर टाइप, फिर और भी सारे एट्रीब्यूट है, उनमें से जिनका यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये दो का यूज़ तो करना ही पड़ेगा सब में, ठीक है, और बाकी जो एट्रीब्यूट है उनका यूज ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमने एक नेम लिखा, और नेम लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब आपको इस टेक्स्ट बॉक्स की क्या करनी पड़ेगी, इस टेक्स्ट बॉक्स की एक सीमा तो बतानी पड़ेगी कि इसमें कितने नंबर लिख सकते हो। जैसे हम आपसे मोबाइल नंबर के लिए कहें, ठीक है, तो आप इस एक टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, तो 10 से 12 11 नंबर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक, तो उसमें आपको साइज डिफाइन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, किसकी, इनपुट एट्रीब्यूट, नहीं, एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट, एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट, ठीक, एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका अलाइन, क्या, अलाइन, ठीक है। तो अलाइन में आपके यहाँ पे क्या है, अलाइन के लिए आपके इनपुट जो एलिमेंट है उसमें आपका जो अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, उसमें अलाइन की वैल्यू आप, अलाइन मतलब अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलाइनमेंट की वैल्यू 3 हो सकती है। कौन कौन सी, फॉर्म में अलाइनमेंट की वैल्यू आपकी 3 हो सकती हैं, एक हो सकती है टॉप, एक हो सकती है बॉटम, और तीसरी हो सकती है आपकी मिडिल, क्या, मिडिल, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपकी हो सकती हैं, किसकी, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की, ठीक, क्लियर ना, ओके। सो ये आपका अलाइनमेंट लगाने के लिए एक यूज किया जाता है कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट कहाँ दोगे, नीचे लिखना है सबसे, ऊपर लिखना है, या मिडिल में लिखना है, क्लियर की नहीं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, चेक्ड, 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 ठीक है। दूसरा क्या है आपका, CHECKED, चेक्ड, ठीक है। तीसरा आपका जो है, सब बताते जा रहे हैं, एक एक करके लिखते जाओ, मैक्स लेंथ, क्या है, मैक्स लेंथ। चौथा है आपका नेम, जो अभी अपन ने यहां पे यूज किया हुआ है, देखो यहां ये नेम, ठीक है, ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको। नेम के बाद साइज, ठीक, नेम के बाद साइज, साइज के बाद SRC, SRC, इसके बाद है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट के बाद है आपका टाइप, टेक्स्ट के बाद क्या है, टाइप, और टाइप के अंदर बहुत सारे टाइप हैं, ठीक, टाइप के अंदर फिर बहुत सारे टाइप हैं, और वो टाइप क्या हैं, जल्दी जल्दी देखते चलो। पहला है आपका चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, बी है आपका रेडियो, सी है इमेज, पासवर्ड, इमेज पासवर्ड, इसके बाद है रीसेट सबमिट, रीसेट सबमिट, और रीसेट हो गया, सबमिट हो गया, ठीक। इसके बाद है वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज रहने दो, ठीक है। इतने आपके ये होते हैं किसके एट्रीब्यूट,
टाइप के एट्रीब्यूट, और ये पूरे मिला के किसके एट्रीब्यूट हैं, ये सारे मिला के हो गए आपके एलिमेंट, किसके इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अलाइन के बारे में तो अपन समझ चुके हैं। ठीक, बात करते हैं किसकी, चेक्ड की। इसकी बात करते हैं, चेक की बात करते हैं। तो चेक्ड की बात क्या होता है, इस एट्रीब्यूट का यूज कहाँ किया जाता है, इस एट्रीब्यूट का यूज जो है वो किया जाता है चेकबॉक्स होता है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, मतलब ये एट्रीब्यूट हम कहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट अगर हम लिखेंगे ऐसे इनपुट लिखा, ठीक, इनपुट, और इनपुट के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक्ड। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे यहाँ पे तो आप जो चेकबॉक्स लगाओगे उस पर चेक नहीं कर पाओगे, मतलब क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो क्लिक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो क्लिक करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, चेक्ड। इसके बाद आता है आपका कौन सा एट्रीब्यूट, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब क्या है, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स दिया है उस टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम कितने लेटर्स आ सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए हम मैक्स लेंथ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर असाइनमेंट। ठीक है, किसके लिए, आइडेंटिफायर के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफायर के लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर मतलब क्या है, जैसे आपने नाम लिखा, ठीक, नाम, ठीक है, या क्या बोलते हैं, जेंडर लिख रहे हैं, ठीक, तो जेंडर लिख रहे हैं तो हम नेम इक्वल टू क्या दे देंगे, नेम इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में दे देंगे जेंडर। ठीक, जैसे हमने नेम लिख रहे हैं पापा का नाम, या डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो नेम में क्या दे देंगे अपन, डेट ऑफ बर्थ। ये आइडेंटिफायर बताने के लिए कि हम किस चीज के लिए इस वाले इनपुट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नेम आपका ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, आइडेंटिफायर असाइनमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। साइज का यूज क्या किया जाता है, ठीक है, साइज का यूज जो आप टेक्स्ट बॉक्स डिसाइड कर रहे हो उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखने वाले लेटर की संख्या का, ठीक है, बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैक्स लेंथ और साइज दोनों का यूज एक जैसा ही होता है लगभग, इसका यूज भी, इसका यूज मैक्सिमम लेंथ बताने के लिए मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, और इसका यूज टेक्स्ट बॉक्स में साइज डिफाइन करने के लिए, दोनों का लगभग एक ही जैसा यूज होता है। ठीक है, इसके बाद एसआरसी आप लोगों को पता है सोर्स होता है ना, तो जो भी अगर आप अपने फॉर्म में कोई इमेज फाइल डाल रहे हैं तो उस इमेज फाइल को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोर्स का यूज करना पड़ता है। लिखेंगे कैसे, लिखते ऐसे हैं कि इनपुट लिया, इनपुट में अपन ने एसआरसी लगाया, इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा में अपन ने इमेज का यूआरएल दे दिया, तो यहाँ पे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, किसमें, फॉर्म के अंदर। वैसे अगर आपको वेब पेज में इमेज डालनी है तो फिर इमेज एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट, क्या, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का यूज किसमें किया जाता है, टेक्स्ट का यूज किया जाता है अगर हमें किसी एक रो का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक रो का टेक्स्ट बॉक्स, जैसे अपन नाम लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स ही तो बनाते हैं, ठीक है, इतना लंबा बॉक्स बनाते हैं नहीं ना, एक सिंपल सा बॉक्स, ठीक, तो वो एक लाइन का बॉक्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक, फिर आता है आपका टाइप। टाइप क्या करता है, टाइप का यूज किया जाता है कि आप जो भी एलिमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप का होगा। जैसे अगर हमने टाइप में लिख दिया चेकबॉक्स, ठीक, टाइप में लिख दिया हमने चेकबॉक्स, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जो चीज लिखी हुई है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जो चीज लिखी हुई है उससे पहले क्या आ जाएगा, एक चेकबॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक, कैसे, जैसे सपोज दैट हमें लिखना है कि आर यू आर रोबोट टिक, ठीक है, या यू आर नॉट अ रोबोट टिक, ये लिखना है। ठीक है, अपने वेब पेज पे क्या लिखना है, यू आर नॉट अ रोबोट, ऐसे यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है, फुल स्टॉप, और उसके पहले लगाना है चेकबॉक्स। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इस चीज को, वेब पेज पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ओके, इससे पहले चेकबॉक्स दिया जाए, तो हम दिखाएंगे ऐसे, इनपुट नेम, शायद इनपुट आपका कंटेनर एलिमेंट ही होता है, इनपुट को बंद किया जाता है,
नहीं किया जाता। सही है, इनपुट नेम, नेम इक्वल टू क्या है आपका, टेक्स्ट ही तो है ये, टेक्स्ट में ही तो लिखोगे आप ये चीज, नहीं लिखोगे ठीक। उसके बाद अपन ने डिसाइड किया टाइप, क्या डिसाइड किया टाइप, तो टाइप इक्वल टू यहां हम क्या लिख देंगे CHECKBOX चेक बॉक्स ठीक, और इसको कर दिया अपन ने बंद। बंद करने के बाद फिर लिख दिया अपन ने यू आर नॉट आ रो वो ट, और फिर लगा दिया अपन ने BR टैग, BR क्यों, लाइन ब्रेक हो जाएगी ठीक। तो ये चीज जब अपनी एग्जीक्यूट होगी तो ये चीज एग्जीक्यूट होके ऐसे दिखेगी आप, क्लियर नहीं आया। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्या है चेकबॉक्स आगे, हाँ ये बताना जरूरी है कि आप लिखोगे क्या ठीक। इसके बाद जैसे अपन को लगाना है क्या, रेडियो बटन, अगर हमें रेडियो बटन लगाना है तो हमें रेडियो का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, टाइप रेडियो यूज करना पड़ेगा, और टाइप रेडियो जो हम यूज करेंगे ठीक है, टाइप रेडियो जो हम यूज करेंगे ठीक है, वो देखो कैसे होगा, हाँ देखो यहाँ पे ठीक है, इसमें अपन ने लिखा कि नेम क्या है, जैसे अपन जेंडर लिख रहे हैं ठीक है, तो नेम में क्या लिख दिया अपन ने जेंडर ठीक है, और टाइप कौन सा लेंगे हम, टाइप लेंगे हम रेडियो, क्योंकि हमें रेडियो बटन के साथ इसको शो करना है, तो टाइप लिख दिया अपन ने रेडियो। अगर हम अभी जो लिखा हुआ है इसी को एग्जीक्यूट करें, इसी को एग्जीक्यूट करें ठीक है, तो क्या होगा एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा इसका, डिंग और लिख के आ जाएगा यू आर नॉट आ रोबोट ठीक, और क्या आ जाएगा साथ में, एक रेडियो बटन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आएगी ठीक। लेकिन हम लिख रहे हैं क्या, जेंडर, तो जेंडर कैसे लिखेंगे, अरे मैं पिजाम ओढ़ा ठीक, जेंडर कैसे लिखेंगे, इनपुट नेम जेंडर टाइप रेडियो वैल्यू, यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी ठीक है, वैल्यू क्या देंगे, देखो हमने लिखा वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया एम, एम फॉर मेल ठीक है, और फिर लिख दिया यहाँ पे क्या, मेल, और बी आर नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, बी आर नहीं लगाया, फिर लिखा हमने क्या, फिर लिखा हमने इनपुट नेम इक्वल टू जेंडर कॉमा टाइप इक्वल टू रेडियो वैल्यू एफ और फीमेल, फिर लिखा इनपुट नेम इक्वल टू जेंडर टाइप इक्वल टू रेडियो वैल्यू इक्वल टू ओ और अदर ठीक, ये लिख दिया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज को जब हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे आएगा, एक ही लाइन में क्यों आए सर, क्योंकि हमने यहाँ पे बी आर का यूज नहीं किया है ठीक, और इसके बाद हमें अगली लाइन लगानी, तो यहाँ लगाएंगे हम बी आर ठीक है। अगर आप यहाँ भी बी आर लगा दोगे, यहाँ भी बी आर लगा दोगे, तो ये चीज इस टाइप से शो होगी, फिर आपको कैसे शो होगी ये चीज, ये चीज फिर आपको ऐसे शो होगी बात समझ में आएगी ठीक। तो अब अपन जिस पे क्लिक करेंगे, हम जिस भी बॉक्स पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे, वो बॉक्स ऐसे फिल हो जाएगा ठीक है। अगर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ऐसे फिल हो जाएगा, इस पे करेंगे तो ये बॉक्स ऐसे फिल हो जाएगा, तीनों आप एक साथ फिल नहीं कर पाओगे ठीक है, तीनों एक साथ, क्योंकि एक साथ एक इंसान तीन जेंडर नहीं हो सकता ना, कोई एक जेंडर होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, क्लियर बात की नहीं, यस और नो,
एक साथ ऐसे तो नहीं है मेल भी हो फीमेल भी हो, नहीं हो सकता ना, इसीलिए इन तीन में से आप किसी एक को क्या कर पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे अपन रेडियो एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। इमेज, ठीक, इमेज का यूज किस में किया जाता है, अगर हम टाइप में लिख दें इमेज, टाइप में क्या लिख दें इमेज, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगी, एक इमेज के लिए बॉक्स बन जाएगा, ठीक। और उसके बगल में लिख देंगे जैसे अपन अपलोड योर फोटो, क्या लिख देंगे, अपलोड योर फोकीटो, ठीक। जैसे हमने लिखा अपलोड योर फोटो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक अपलोड के लिए ऑप्शन होगा, कैमरा टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज के लिए पूछेगा, फोटो ब्राउज करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो इसमें फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो वो फोटो वाला बॉक्स लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर कि नहीं क्लियर। इसके बाद अपना आता है पासवर्ड, अगर हमें क्या बनाना है, बोलते नहीं है कि क्रिएट योर पासवर्ड, है ना, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पासवर्ड बनवाते हैं ना, हाँ, तो वही पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड बॉक्स का यूज किया जाता है। अगर हमें पासवर्ड बॉक्स लगाना है तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड बॉक्स का यूज करेंगे। और एक चीज और होती है कि पासवर्ड बॉक्स जो होता है इसमें हम जो टाइप करते हैं वो किसी को शो नहीं होता है, जो हम टाइप करते हैं वो किसी को शो नहीं होता है। जैसे हमने लिखा आर, तो आर शो नहीं होगा, बिंदी दर्जे डर जाएगी, नहीं डर जाती है, ठीक है। ए लिखा तो एक बिंदी और आ जाएगी, एच लिखा तो एक बिंदी और आ जाएगी, होता कि नहीं होता, ठीक, ये पासवर्ड बॉक्स होता है, ठीक है। और उसके बगल में एक ऐसे आंख बनी रहती और वो ऐसे कटी रहती, ठीक, ठीक है। अगर ये कटी नहीं है वो कहेगा, अगर आपने इस पर सिलेक्ट कर दिया तो मतलब देख पाओगे, तो फिर ये चीज़ दिख जाएंगी, और कट जाएगी तो नहीं देख पाओगे, क्लियर बात की नहीं क्लियर, ठीक। तो ये चीज कैसे बनती है, पासवर्ड का यूज करके। तो हम यहाँ टाइप के अंदर क्या लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे, तो पासवर्ड बॉक्स आ जाता है। रीसेट, रीसेट मतलब जैसे पूरा फॉर्म भर गया, पूरा फॉर्म होगा गलत, ठीक। सो एक नीचे एक बटन रहता रीसेट, क्लिक किया सब हट गया, ठीक है, क्लियर की नहीं, पूरा फॉर्म खाली। तो वो रीसेट बटन कैसे आता है, टाइप के अंदर लिख दो रीसेट, क्लियर, तो एक रीसेट बॉक्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उस पर लिखा है, उस पर लिखेगा क्या, उस पर लिखेगा वो जो आप रेडियो के बाद यहाँ लिखोगे, यहाँ जैसे मेल लिखा तो फिर बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स में लिखा होगा मेल, तो हम मेल थोड़ी ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे वहां पे रीसेट, तो यहाँ पे बॉक्स के बाद क्या लिख देंगे रीसेट, तो इसमें रीसेट लिख के आ जाएगा, नहीं क्लियर की बात, क्लियर ना, ठीक। सेम बात आती है आपकी सबमिट की, ठीक है, तो एक बटन हमें सबमिट भी लगाना रहता, नहीं लगाना रहता, तो वो सबमिट बटन कैसे लगाएंगे, टाइप में सबमिट डाल दो, सबमिट बटन लग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को इनपुट एलिमेंट सारे क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि कैसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें सिलेक्ट पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, टेक्स्ट एरिया पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना एकदम से फॉर्म बनाना। इनपुट के बाद नेम, इनपुट नेम नहीं है, इनपुट आपका एलिमेंट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, और नेम आपका आइडेंटिफायर होता है पहचानने के लिए कि किस चीज का ये बॉक्स बन रहा है, तो वो नाम वहां पे वो लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके भैया, तो बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, सारी की सारी जितने एलिमेंट हमने आपको इनपुट के बताए, इन सारे एलिमेंट को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रट लें, दिमाग में धर लें, दिमाग में उपयोग कर लें, और लैपटॉप पे इनकी प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। इनपुट एलिमेंट जितने बताए उनको लगा के देखें। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे सिलेक्ट ऑप्शन और टेक्स्ट एरिया, कल आपका ये चैप्टर FINISH हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तो लाइक किया जाता, हाँ, और अगर हमसे कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कह दें, ठीक है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो वो दिक्कत भी हमें बता दें, आपकी दिक्कतें दूर करना हमारी परम कर्तव्य, हमारा परम कर्तव्य आपकी दिक्कत दूर करना, ठीक है। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल पे नए हैं, जो पुराने हैं वो शेयर करें, दूसरों से करवाओ, ठीक है। वीडियो तो मांगते रहते, हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।